कोर्स बुलेटिन नंबर 3। इस बुलेटिन में आपके कॉमन क्वेश्चंस को हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, प्लस आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस और थोड़े बहुत अलग इन्फॉर्मेशन भी देंगे। ये बुलेटिन काफ़ी छोटा होगा, मुझे लगता है 5 से 6 मिनट मैक्सिमम होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है, आप जब कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो कोड ब्लॉक्स 20 जनरली विंडोज़ 10 पे बड़ी तरीके से चल जाएगा, क्योंकि हम खुद विंडोज़ 10 पे कोड ब्लॉक 17 इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके पास आइदर विंडोज़ 7 है जो आजकल अनसपोर्टेड है बाय माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि आप एक क्रैक या पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। उस पायरेटेड या क्रैक वर्जन में सारे चीज़ नहीं होंगे, जैसे आप कोड ब्लॉक्स डाउनलोड कर रहे हो और इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहे क्योंकि उस पायरेटेड वर्जन के अपडेट्स नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 1-2-3 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। आप इस लिंक के पास जा सकते हो, इस लिंक यूज़ करके आप कोड ब्लॉक्स रिलीज 17 है उससे पहले डाउनलोड कर सकते हो, जो विंडोज़ 7 के लिए बनाया गया था, और ट्राई आउट कर सकते हो। अगर ये नहीं चल रहा है तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, टर्बो सी आप डाउनलोड कर सकते हो, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, उसे इंस्टॉल करके आप उससे भी आप काम चला सकते हो। अगर आपको टर्बो सी भी प्रॉब्लम है तब आप बिल्कुल कंफर्टेबली, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन GDBC कंपाइलर यूज़ कीजिए। ऑनलाइन GDBC कंपाइलर आपका पूरा सेमेस्टर या पूरा सी सीखने में 100% कंप्लीट है, और मैं खुद उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपको कोड ब्लॉक्स या कंपाइलर के बारे में। मुझे लगता है कंपाइलर या कोड ब्लॉक्स मैकिंटोश या एप्पल मशीन्स पे नहीं चल रहा है, वो प्रॉब्लम अलग है। तो एप्पल वाले आप ऑनलाइन GDBC प्लीज़ यूज़ कीजिए। अब मिड टर्म सिलेबस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं MCA और BCA के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मिड टर्म सिलेबस इंजीनियरिंग का होगा स्विच केस, यूनिट 3 स्विच केस तक। ठीक है, आपसे जो शुरुआत से हमने जो थ्योरी किया है उससे आगे बढ़ के स्विच केस तक पूरा कंटेंट आपका एग्जाम के लिए होगा। अब मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, सडनली एक वीडियो 40 से वीडियो 60 पे जंप कर देते हैं, और जो स्किप हुए वीडियो उस पर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ वीडियोस स्किप ना कीजिए। और क्या हो रहा है, इससे अननेसेसरली आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिर बिल्कुल आंसर में क्या कर रहा हूँ, कमेंट में वापस आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ जाके आप देख लीजिए। तो मुझे अभी तक लॉजिकल रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स वीडियो क्यों स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे, प्लेलिस्ट का सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर आप प्लेलिस्ट का सीक्वेंस मिस करोगे तब आप बड़े कष्ट में आओगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी भी स्टूडेंट्स देख रहा हूँ अराउंड 30-35% या 40% सीरियस है, रेस्ट 60% या 70% पता नहीं अभी भी वो लॉकडाउन मूड में है। अब मैं बता रहा हूँ, ये आपका ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम और सबसे बेस्ट टाइम मिला है, इतना समय आपको नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके प्रोग्रामिंग लॉजिक मास्टर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा कोडर, अगर आपको करियर कंप्यूटर साइंस में बनाना है, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक का नॉलेज होना कंपलसरी है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपने इंडियन नेवी ज्वाइन कर दिया और आपको तैरना नहीं आता तो डूबना और मरना निश्चित है। इसी तरह अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में न समझ में आए तब आपका प्रोग्रेस होना नामुमकिन है। अगर आप प्रोग्रामिंग लॉजिक एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट को रिपीटेडली स्टडी करोगे, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको 100% उस पर मास्टरी करोगे। थोड़े लोगों को लगता है कि बस वीडियो देखने से आप सीख जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन आप खुद प्रोग्राम लिखने की भी कोशिश कीजिए। जब आप लिखोगे तब आप प्रॉब्लम में आओगे और आप उसी तरह सीखोगे। हम सब ने उसी तरह सीखा है जब हमने खुद एफर्ट करके प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे अभी भी एल्गोरिथम्स में है या उससे पहले कहीं अटके हुए हैं। ये बेसिकली लैक ऑफ सिंसेरिटी एंड लैक ऑफ एफर्ट। आप प्लीज़ अपनी तरफ से हार्डवर्क डालिए। आप देखिए, ये आपको ये कोर्स आपको मिलियनियर या करोड़पति ज़रूर बनाएगा अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे। आपको ड्रीम ऑफर्स मिलेंगे, ड्रीम सैलरीज मिलेंगे,
3 दिन पहले मुझे पता चल गया है कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक स्टूडेंट ने 1 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप एडोब में मिला है उन्हें। ऐसे और कई स्टूडेंट्स हैं, और कई 3-4 को मिलने वाला है, लेकिन ये पहला ऑफर आया है। तो इस तरह अपना करियर या लाइफ बनाइए, ऐसे टाइम वेस्ट या बर्बाद ना कीजिए। उसके साथ हम कहना चाहते हैं आपको ऑल द बेस्ट।